डीजीएम कुलदीप जांगड़ा ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि हमारी सिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज 28 जनवरी से प्रारंभ हुई थी। इसमें हमने एक हफ्ते के लिए इन बसों को पैसेंजर के लिए फ्री किया था, उसके बाद हम इसका साधारण किराया ले रहे हैं। साथ ही कहा कि जल्द 5 और इलेक्ट्रिक बस आ जाएंगी। जैसा कि विदित है, हमारी सिटी बस सर्विसेज 28 जनवरी से चल रही हैं और इसमें हमने एक सप्ताह के लिए इनको फ्री किया था पैसेंजर्स को, उसके बाद हम इसका साधारण किराया ले रहे हैं और इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हमारा राइडरशिप है दैट इज आल्सो मोर देन 90% और हमारा जो इनकम है वो भी ऑन एन एवरेज 60 रुपये से प्लस ही आ रहा है प्रति किलोमीटर। और 5 गाड़ियाँ हैं जो कि हमने नए बस अड्डे से टोल प्लाजा के बीच में चला रखी हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस पब्लिक का हमें मिल रहा है। और जैसे जैसे गर्मी आ रही है तो इसकी प्रेफरेंस और भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वातानुकूलित गाड़ी है और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। और फ्यूचर एक्सपेंशन भी हम अभी शेड्यूल है हमारा, जैसे कि 50 गाड़ियाँ आनी है तो हमें उम्मीद है कि इस महीने में हमें 5